देश की सबसे ऊंची मेडिकल इमारत का नाम आयुष्मान टावर होगा। एसएमएस में निर्माणाधीन आईपीडी टावर को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। कुछ चिकित्सा मंत्री ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जो भी खामियां पिछली सरकार छोड़कर गई, उन्हें सुधारते हुए पेशेंट फ्रेंडली टावर बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस में निर्माणाधीन आईपीडी टावर को लेकर स्वास्थ्य भवन में हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में टावर बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन, पार्किंग और सेवाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि आईपीडी टावर को भविष्य में आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईपीडी टावर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया जा चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने पार्किंग समेत कई तरह की खामियां इस प्रोजेक्ट में छोड़ी है, जिन्हें सुधारा जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि टावर 24 मंजिला ही बनेगा और इस टावर के एसएमएस की प्रमुख बिल्डिंग से भी कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए टावर और प्रमुख बिल्डिंगों के बीच स्काई वॉकवे बनेगा, ताकि दूसरे बिल्डिंग में इलाज के लिए मरीजों को नीचे से नहीं जाना पड़े। साथ ही अस्पताल में नीचे के सभी रास्तों को सुगम किया जाएगा, जिससे एम्बुलेंस समेत अन्य वाहनों को आसानी से मूवमेंट हो सके। पिछली सरकार प्रोजेक्ट लाई, लेकिन ये नहीं देखा कि पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी। हम 600 गाड़ियों की पार्किंग को 1800 गाड़ियों की पार्किंग बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद पूरे एसएमएस की गाड़ियां एक ही जगह पर पार्क हो सकेंगी। आईपीटी नाम हटा दिया, आयुष्मान टावर है, क्योंकि ये हेल्थ से कनेक्टेड है। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट जो बड़ा है, और जो भी खामियां पिछली सरकार इस प्रोजेक्ट में जो उन्होंने प्लान नहीं किया था, वो हमने प्लान किया है। इसके अंदर ये तय किया गया कि 24 मंजिल बनेगा, ये तय किया गया कि जो प्रमुख जो बिल्डिंग्स हैं एसएमएस की, उसके अंदर हम स्काई वॉक बनाएंगे, ताकि पेशेंट्स को ऊपर नीचे नहीं ले जाना पड़े, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ के लिए। हम सोच रहे हैं कि हमारा जो प्लान जो बना है 1800 गाड़ी, ताकि एसएमएस के पूरे परिसर की सब गाड़ियाँ एक ही पार्किंग लॉट में आए। चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन पर भी बैठक में चर्चा हुई। जेडी 150 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, जिसके लिए हम वित्तीय मंत्री दिया कुमारी को पत्र लिख रहे हैं। यूडीएच मंत्री से भी मेरी बात हुई। हमारी कोशिश रहेगी इस प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा किया जाए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। JLN टॉक रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क का उपयोग किया जाएगा। मौजूदा सड़क को पार्किंग के लिए उपयोग में लेने पर विचार किया जाएगा। महाराजा कॉलेज की खाली जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है। इस जमीन के बदले मुआवजा या अन्य सुविधा विकसित की जाएगी। सरकार की जमीन सरकार ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इस जमीन को लेकर पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन तब खोखले छात्रावास के स्टूडेंट्स का विरोध शुरू हो गया। इसके बाद आरयू प्रशासन ने भी जमीन देने से इनकार किया था। JDA करीबन 150 करोड़ रुपए मांग रहा है। वो कह रहे कि 16 मंजिल तक तो हमने पेमेंट कर दिया है, हम जब 24 मंजिल तक जाएंगे तो उनको वो जो पार्किंग, जो जनरल पार्किंग जो है उस बिल्डिंग की, जो पहले प्लान्ड और प्रपोज थी, उनको 150 करोड़ रुपए चाहिए उसको कंप्लीट करने में। तो इशू जो है अभी मेरी अपने जो है अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी खराजी से बात भी हुई है, और मंगलवार या बुधवार को हम उन JDA के साथ मीटिंग करेंगे। आज जो पत्र है वो दिया कुमारी जी फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजेंगे, और JDA भी उनको लिखेंगे कि भाई हमारे जो 150 करोड़ जो है उसको तुरंत वो रिलीज किया जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने प्रोजेक्ट को लेकर विभागीय एक्शन प्लान को साझा किया। इस दौरान तय किया गया कि जल्द ही एक बार फिर वित्त, JDA, UDH, चिकित्सा शिक्षा विभाग और SMS कॉलेज प्रशासन की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ताकि जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसे अमल में लाकर जल्द ही प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। अभिषेक श्रीवास्तव के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।